अगर मुझे अरबी बोलना नहीं आता तो मेरे साथ क्या होता? अगर कोई नया ड्राइवर सऊदी में आ रहा है और अरबी सीखने के लिए कितने दिन ये लोग देते हैं, सही से इनसे बात नहीं कर पाओगे तो ये लोग यही बार बार धमकी देंगे, इंडिया भेज दूंगा इंडिया भेज दूंगा। फटाक से अपना वीजा पे स्टंप लगवाएगी, टिकट कटवाएगी और एयरपोर्ट पे छोड़ के चले आएंगे। तो देखो दोस्तों, दो चिकन डाला मैंने और ये चारों मैंने डाल दिया गर्म होने के लिए। तो चलो दोस्तों, इसको मैं फ्रिज में फिर से रख देता हूँ। अभी 5 पीस बचा है, 2 टाइम चल जाएगा आराम से। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 कल मैंने डाला था, तो आप लोगों ने तो मुझे ट्रोल कर दिया ये बोल के कि मुझे अरबी नहीं आता अरबी नहीं आता। तो अच्छा हुआ आप लोगों ने याद दिला दिया अरबी के बारे में, क्योंकि इसके बारे में मैं तो वीडियो बना ही नहीं रहा था इतने दिनों से। तो इसी बहाने मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ, अगर आप लोग अरबी बोलना नहीं सीख पाओगे तो क्या होगा और अरबी सीखने के लिए कितने दिन ये लोग देते हैं सऊदी लोग। अगर उतने दिन में आप अरबी बोलना नहीं सीख पाओगे तो क्या करेंगे, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। और बाकी मैं कल का वीडियो का जवाब दे देता हूँ। अगर मान लो अरबी छोड़ो, हिंदी में ही कोई बंदा आपको फोन करके सीधे बकने लगे, सीधे गाली देने लगे और आपकी बात सुनने को तैयारी ना हो, तो आप क्या करोगे बताओ? वैसे ही कफील ने किया था, फोन करके सीधे बोलने लगा था, सीधे चिल्लाने लगा था। मैं बोल रहा था बस इतना ही कि मुझे आने दे, मैं तुझे समझा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। ये नहीं है कि मुझे अरबी नहीं मालूम है, 7 साल हो गया, अगर मुझे अरबी नहीं मालूम होता, अगर आप लोग सऊदी में रहते हो तो आप लोगों को पता होगा, अगर अरबी नहीं मालूम होता मुझे तो कफील मेरे साथ क्या करता। यही है, वो फोन करके सीधे चिल्लाने लगा। मैं भी वीडियो में यही बोल रहा था कि ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं पूछते हैं कि क्यों रुका है, सीधे फोन करके चिल्लाने लगते हैं। मैं यही वीडियो में बोला था जो कल बनाया था वीडियो, वो ये है कि फोन करके ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गया, इतना लेट क्यों हो रहा है, नहीं, वो फोन करके सीधे चिल्लाने लगा। तो मैं उससे ज्यादा बहस नहीं करना चाह रहा था, मैं इतना ही बोल रहा था कि मुझे आने दे, मैं तुझे बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है, अभी इधर जहमा है, मैं आ रहा हूँ। क्या है कि मैं गाड़ी चला रहा था और ज्यादा गैप था भी नहीं, और मैं ज्यादा फोन पे बात करना नहीं चाह रहा था उससे, क्योंकि मैं गाड़ी चला के जा रहा था, बहुत ही कम जगह था, अगर इधर उधर हो जाता तो गाड़ी किसी गाड़ी में ठुक जाता। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में आ जाएगा, पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने पार्ट 1 को प्यार दिया था, वैसे भी ये पार्ट 2 भी जरूर पूरा देखिएगा। और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में कि अगर भाषा नहीं मालूम होगा, अरबी नहीं मालूम होगा तो क्या होगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलो, मैं इस वीडियो को वहीं से शुरू करूंगा जहाँ पे मैंने पार्ट 1 एंड किया था। अपना खाना खा लिया था, फिर हॉस्पिटल वाली मैडम को लेने जाना था, तो मैं वहीं से वीडियो को शुरू करूंगा और मैं आप लोगों को कंटिन्यू करूंगा वही पार्ट 1 का। बाकी मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा कि अगर अरबी ना मालूम हो तो क्या हो सकता है। तो चलो, बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों 12:55 हो रहा है, अभी मैं जा रहा हूँ वो हॉस्पिटल वाली मैडम के पास, 1 बजे वाला आज ड्यूटी रहा, वैसे बुधवार को ज़्यादातर 1 बजे वाला ही रहता है, तो अभी फ़ोन करके बुलाई नहीं है, मगर मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो तो सोचती है लोग कि 5 मिनट में उधर पहुंच जाता हूं मैं, और 20 मिनट लगता है जाने में, अचानक से फोन करेगी लोग कि किधर रह गया। और मैं बुराई इधर सऊदी का भी नहीं करूंगा, क्योंकि यहां रहो तो यहां पे बुरा लगने लगता है, इंडिया सही लगने लगता है, और इंडिया में जाओ और इंडिया का धूप गर्मी धूल मिट्टी ट्रैफिक, वहां पे काम करो तो फिर वहाँ से सोचते हैं कि अरे सऊदी सही था, ये अपना खाली खाली रोड था, ये है वो है। अब क्या करे, एक परिवार की जिम्मेदारी है, फंस गए हैं। शुरू से अगर इंडिया में ही काम किए रहते तो अपना वहीं पे सेटल रहते, और यहाँ पे सऊदी में आके सऊदी के हिसाब से काम कर लिए तो हाथ बिगड़ गया है, शरीर बिगड़ गया है, हर चीज़ बिगड़ गया है कि सऊदी में सही है, ये है काम कम है तो ये है वो है। ऐसा सोचने लगते हैं वहाँ पे जाके, मगर ये है कि यहाँ पे आप लोग देखते हो, अभी दोबारा आने के बाद मेरा सिर्फ दिन भर में एक ही काम है,
पहले वो लोग मैडम लोग गाड़ी नहीं चलाती थी लोग, तो मैडम लोग का काम करता था मैं सुबह 7 बजे 8 बजे उठ के जाके बैंक में छोड़ना, कॉलेज में छोड़ना। आप लोग तो पुराने वीडियो देखोगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। बाकी उधर से लौट के आने के बाद और काम कम हो गया है, बस ये हॉस्पिटल वाली मैडम को हॉस्पिटल में छोड़ना होता है और फिर लाना होता है, उसके बाद दिन भर रूम पे पड़े रहो। और यही इतने ही पैसा कमाने के लिए 20,000 25,000 30,000 अपने इंडिया में 12 से 13 घंटा काम करना पड़ेगा। डिलीवरी कर रहे हो तो 21 22 20 डिलीवरी करो, या फिर ओला ऊपर में काम कर रहे हो तो फिर उसमें दिन भर लगाओ तो इतना कमा सकते हो। तो यह है कि कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खोना पड़ता है। और ये नहीं कि यहाँ के लोग बुरे हैं, वहाँ के लोग सही है। वहाँ पे भी मैंने काम किया है जोमेटो में, तो वहाँ पे भी कई लोग अच्छे थे और कई लोग बुरे मिले हैं। मैं गया था जोमेटो में काम करने, उस दिन वीडियो नहीं बना रहा था, एक कोठी में गया था मैं छोड़ने, वो इतना रूड बात कर रहा था बंदा कि क्या बताऊँ। उस दिन मैं कैमरा वगैरह लेके नहीं गया था, वीडियो नहीं बना रहा था, तो आप लोगों को नहीं बता पाया था। तो यही है कि दोनों तरफ कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। तो दोस्तों कफील से मैंने पैसे मांगे थे पेट्रोल डलवाने के लिए, तो अभी पेट्रोल डलवा ले रहा हूँ मैं रास्ते में ही। तो अभी पेट्रोल डलवा लिया मैंने 50 रियल का। हाँ तो दोस्तों 1:12 हो रहा है, मैं इधर आ गया हूँ हॉस्पिटल के बाहर। अब देखो मैडम कब बाहर आती है। तो देखो दोस्तों 1:28 हो रहा, अभी भी मैं इधर ही खड़ा हूँ हॉस्पिटल के बाहर, गर्मी इतना तेज है। हाँ तो दोस्तों 1:51 हो रहा और 1:40 पे मैडम बाहर आई थी और मैडम को ला के छोड़ दिया मैडम के मायके में, ये अलवादिया में। देखो ये है अलवादिया, यहाँ से मैं हमेशा शॉपिंग वगैरह करता रहता हूँ और बिरयानी वगैरह यहीं से लेके जाता हूँ इधर ही से। देखो यहाँ से बिरयानी लेके गया था कि वो लोग मुर्गी दिए ही नहीं थे और आके मैं लड़ाई किया था तब मुर्गी दिए थे। तो चलो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ, आप लोगों ने देखा 40 मिनट से मैं गर्मी में बैठा रहा, 40 डिग्री के गर्मी में, और बहुत ही पूरा शरीर पानी पानी पसीना पसीना हो चुका है। अभी मैं जाके पहले नहाऊंगा फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगा, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गया था 7:30 बजे ही और नींद भी आ रहा है। तो चलो अब मैं शाम को मिलता हूँ, अगर कोई ड्यूटी आता है शाम को तो शाम को मैं बताऊंगा आगे की कहानी। हाँ तो दोस्तों 8:57 हो रहा है, 9:03 बाकी है और दोपहर से ही कोई भी ड्यूटी नहीं आया जब से वो मैडम को मैं छोड़ के आया उसके मायके में। तो अभी मैं खाना गर्म कर रहा हूँ खाना खाने के लिए। देखो ये अपना दाल है, बाकी ये अपना चिकन है, 2 चिकन फ्राई करूँगा क्योंकि दोपहर में ये 4 बच गया था, तो 4 इसको भी गर्म कर लूँगा। तो 2 चिकन फ्राई और 4 ये। तो देखो दोस्तों 2 चिकन डाला मैंने और ये चारों मैंने डाल दिया गर्म होने के लिए, ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, इसको अभी पलट के फिर निकाल लेता हूँ। बाकी अपना ये चिकन सही से फ्राई करना है, इसको बस मैं गर्म कर रहा हूँ। गलती किया मैं कि पहले ही डाल दिया, इसको लास्ट में डालना चाहिए था, नहीं तो अब निकाल दूंगा मैं और हो सकता है ठंडा हो जाए जब तक ये चिकन हो। चलो कोई नहीं, दाल वगैरह सब गर्म रह गई। तो ये हो गया, बस अब निकाल देता हूँ। अब देखो ज़्यादा था, दोपहर में भी खाया और अभी भी बची गया था, जो रात को खाया था वो फिश वाला था, ये चिकन वाला है। तो चलो दोस्तों इसको अब मैं फ्रिज में फिर से रख देता हूँ, अभी 5 पीस बचा है, 2 टाइम चल जाएगा आराम से, तो कल दोपहर में और कल रात को चल जाएगा आराम से। बाकी ये मैंने निकाल दिया और ये फ्राई हो रहा है, दाल गर्म हो रहा है। तो दोस्तों दाल तो गर्म हो गया, अब मैं यहाँ पे लाके चावल रख देता हूँ, चावल भी गर्म हो जाए। बाकी ये स्लो आंच पे मैं फ्राई कर रहा हूँ और ये अगर ठंडा भी होगा तो इसको निकाल के इसमें रखूँगा तो अभी गर्म हो जाएगा।
चलो कोई नहीं, फ्रिज में रखा हुआ था एकदम बर्फ़ से, अच्छा नॉर्मल भी रहे तो सही है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जवाब ज़रूर देना कमेंट करके। तो दोस्तों खाना ज़्यादा गर्म रहे तो भी ख़राब नहीं होता है, और खाना फ्रिज में रहे ज़्यादा ठंडा रहे तो भी ख़राब नहीं रहता है, मगर नॉर्मल रहे तो क्यों ख़राब हो जाता है? आप लोगों को पता है तो कमेंट ज़रूर करना। बाकी दोस्तों इसमें जो भी फ्रेंच फ्राई मिलता है वो सब बेकार ही जाता है, क्योंकि मैं आलू खाता नहीं हूँ, पहले से नहीं, जब से मैं मोटा हो गया हूँ तब से आलू खाना बंद कर दिया हूँ मैं, तो ये तो फेंकने में जाता है। बाकी 2-3 महीने ये ट्राई करने के लिए गरम कर रहा हूँ मैं, ये सब फ्रेंच फ्राई कुछ भी फ्राई, अपना इंडिया का चटनी हो, पुदीने का चटनी या फिर टोमेटो सॉस भी रहता है तो उधर का सॉस रहता है थोड़ा तीखा वाला, या फिर मोमोस वाला चटनी हो तो मज़ा आता है ये सब खाने में, यहाँ पे तो सब फीका फीका रहता है। हाँ तो दोस्तों अपना खाना रेडी हो गया, देख रहे हो 9:15 हो रहा है। ये रहा अपना दाल चावल, बाकी ये चिकन फ्राई, दोनों चिकन ही है, ये भी चिकन ही है अलबैक वाला। तो चलो दोस्तों अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आप लोग भी आओ खाना खाने, बिस्मिल्लाह करो। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को शुरू में क्या बोला था, अगर मुझे अरबी बोलना नहीं आता तो मेरे साथ क्या होता, अगर कोई नया ड्राइवर सऊदी में आ रहा है तो कितने दिन का टाइम देते हैं सऊदी लोग अरबी सीखने के लिए, अगर वो अरबी नहीं सीख पाएगा तो ये सऊदी लोग क्या करेंगे, तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। आप जब इंडिया से इधर सऊदी में आओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 1 महीना देंगे अरबी सीखने के लिए, जगह देखने के लिए और काम जानकारी के लिए, 1 महीना आराम से ये लोग अरबी बताएंगे। मगर ये है कि पहले दिन से ही आपको इमीन, इशार और रो ताल मालूम होना चाहिए। इधर सऊदी में कदम रखते ही आप लोगों को अपने दोस्त से, यार से, किसी से भी ये 4-5 चीज आप लोगों को पूछना ही पड़ता है। इमीन मतलब राइट और इशार मतलब लेफ्ट, और रो मतलब जाओ और ताल मतलब आओ, तो ये सब सीखना पड़ता है पहले दिन ही। बाकी 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप लोग अरबी नहीं सीख पाओगे, और जो इन लोगों का पूरा फैमिली का घर है, जो जो मार्केट ये लोग दिखाती है लोग, वो अगर नहीं देख पाओगे तब ये लोग अपना शुरू करेंगी लोग। इन लोगों के जबान पे पहला धमकी यही रहता है, इंडिया भेज दूंगा। तो यही है, आप लोगों को धमकी देंगे बार बार, अगर अरबी नहीं बोल पाओगे, सही से इनसे बात नहीं कर पाओगे तो ये लोग यही बार बार धमकी देंगे, इंडिया भेज दूंगा, इंडिया भेज दूंगा। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, और ज्यादा दिन तक अगर अरबी बोलना नहीं सीख पाओगे तो ये लोग लड़ाई करते करते फिर गुस्से में आके ये लोग फाइनल खुरूज लगा ही देते हैं, अपना भेज देते हैं इंडिया में। ये नहीं कि 6-7 साल सबर करेंगे और बर्दाश्त करेंगे जैसे कि मेरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो ना कि मुझे अरबी नहीं आता है और 7 साल का फील मेरा बर्दाश्त कर रहा है, ऐसे ही सैलरी देता है 7 साल से फ्री में, मैं कहाँ सब्जी ला के देता हूँ, मैं कहाँ इन लोगों के पूरे अंकल आंटी लोगों का काम करता हूँ, कहाँ, मुझे तो अरबी आता ही नहीं है, वो मैं ऐसे गूंगे की तरह ऐसे इशारा कर कर के मैं इन लोगों से बात करता हूँ। आप लोग देखते हो कि मेरा काम क्या है, एक हॉस्पिटल वाली मैडम को छोड़ने के बाद मेरा यही ज्यादातर काम है, जैसे कि घर में एक बच्चा काम करता है, मार्केट से ये खरीद के लाओ, वो खरीद के लाओ, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, जैसे घर का काम करते हैं, तो उसके लिए तो और ज्यादा अरबी चाहिए होता है, क्योंकि सामान का भी अरबी मालूम होना चाहिए, फिर मार्केट भी मालूम होना चाहिए, फिर खरीदारी करना भी मालूम होना चाहिए। तो इन लोगों का ये नहीं है कि आप लोग अरबी बोलना नहीं सीख पाओगे तो ये लोग सबर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीना सबर करेंगे, और उसके बाद अपना चिल्लाना चालू कर देते हैं कि तेरे को अरबी नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सही से समझ नहीं रहा है, काम नहीं कर पा रहा सही से, मतलब जिस मार्केट में हम लोग भेज रहे हैं वहां पे जाके बात नहीं कर पा रहा है, सामान खरीद के नहीं ला पा रहा है, डिस्काउंट कराना, बात कराना, ये सब और ज्यादा मेरा डिफिकल्ट काम है। ये मैडम को तो इधर उधर छोड़ना बहुत ही आसान काम है, मैडम आएगी इधर बैठेगी और वो बताएगी लेफ्ट राइट ले जाके वहाँ पे छोड़ दो और बैठे रहो, वो आसान काम है, बाकी खरीदारी करना ये एक झंझट का काम हो जाता है। हाँ तो दोस्तों मुझे इतना ही समझाना था, वो भी आप लोगों ने कमेंट कर दिया था तो मुझे याद आ गया था कि हाँ अरबी के बारे में भी, भाषा के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर
भाषा नहीं सीख पाओगे तो क्या हो सकता है। मैं तो फिर भी अपने कफिल से बहुत ही बहस कर लेता हूँ, देखते हो आप लोग, एक पंचर भी बनता है, गाड़ी भी खराब होता है या फिर फाइन आता है, चालान कटता है, तो मैं एक रुपये काटने नहीं देता हूँ, मैं गिर गिर कर लेता हूँ, अपना बहस कर लेता हूँ। हाँ, मैंने एक छोटा सा गलती कर दिया था, उस समय मैंने कफिल को नहीं बोला था फोन पे ही कि उसी समय मुझे अरबी में बोल देना चाहिए था कि वाहिद नफर वगब अदा सैयारा माफी फी मकान आना के फितला बर्रा अदा सैयारा, तो मुझे फोन पे ही बोल देना चाहिए था, मगर यह है कि मैं फोन पे नहीं बोल पाया था। अपना देखा था 2-3 घंटा मैं उधर बैठा था, सुबह सही से सो के उठ नहीं पाया था, तो दिमाग में आया नहीं। बाकी मैंने उससे बोला था कि आती में तेरे को समझा रहा हूँ, और वो जैसे ही आके बैठा मैंने उसको समझा दिया था, अरबी में ही समझाया था, हिंदी में नहीं समझाया था या फिर इशारे में नहीं समझाया था, गूंगे की तरह अरबी में ही बोला था मैंने कफिल को, तो समझ गया था। फिर बोला खलास खलास घर पे पहुंचा दे मुझे, बाकी तू जा, तो मैंने घर पे पहुंचा दिया था और चला आया। बाकी अगर मेरा ये वीडियो या फिर वो पार्ट वन अगर इंडिया से देख कर कमेंट कर रहे हैं तो उसको तो चलो कोई बात नहीं, वो नादान है, उन लोगों को नहीं मालूम। और जो सऊदी में रह के भी कमेंट कर रहे हैं कि मुझे अरबी नहीं मालूम 7 साल से, तो उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, भाई आप लोग यहाँ पे सऊदी में रह के देखते हो ना, अगर किसी ड्राइवर को या फिर किसी भी दुकान पे मॉल में कहीं पे भी अगर वो काम कर रहा है अरबी नहीं मालूम होगा 1-2 महीने के अंदर, तो क्या होता है उनके साथ, वो तो आप लोगों को मालूम ही है अगर आप लोग सऊदी में काम कर चुके हो या फिर सऊदी में रह चुके हो। तो मेरा कफिल कैसे 7-6 साल बर्दाश्त कर सकता है अगर मुझे अरबी नहीं मालूम होगा तो। हाँ, मैंने भी बहुत ही झेला, जब मैं शुरू में आया था ना, अरबी नहीं सीख पाया था, तो ये बैंक वाली मैडम को इतना शरीफ मत समझो, वो बोल रही थी जी मुफ्ता, मतलब चाबी दे और निकल यहाँ से, भाग जल्दी अभी, ऐसा धमकी दे रही थी ये बैंक वाली मैडम। तो इन लोगों का जवान पे यही धमकी रहता है कि काम से निकाल दूंगी, इंडिया भेज दूंगी, यही है। ये लोग इतना दिन सबर करने वाले नहीं है कि तुमको अरबी नहीं मालूम तो 7-6 साल तुमको लेके झेलेंगे, नहीं, 1-2 महीने के अंदर अगर अरबी नहीं सीखे फटाक से अपना वीजा पे स्टंप लगवाएगी, टिकट कटवाएगी और एयरपोर्ट पे छोड़ के चले आएंगे, ये लोग नहीं बर्दाश्त करने वाले। तो चलो दोस्तों, मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम, टेक केयर। Oh, let me up with a bright smile on now.